आज भोजपुर के ब्लॉक सभागार में जनपद लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से सभी आंगनवाड़ी महिलाओं को दिखाया गया। इसमें मुख्यमंत्री के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं को 50% मानदेय की घोषणा भी की गई। साथ ही में गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के लिए विभाग में चल रही सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसी क्रम में बाल परियोजना अधिकारी राकेश कुमार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण दूर करने के उपाय के बारे में जानकारी दी। साथ ही समय समय पर पोषाहार वितरण तथा गर्भावस्था में खून की कमी को दूर करने के उपायों को भी बताया। साथ ही हरी सब्जियों और दालों का महत्वपूर्णता को बताया। इस मौके पर वीडियो एडीओ एडीओ कॉरपोरेट वीएम मोहम्मद ओवेस तेजपति शांति कुसुमा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आजमा परवीन हसीना मुन्नी मंजू बबीता शबाना नीरज गुलेखशात नाहिद कलसुम आदि मौजूद रहे। विकास परियोजना अधिकारी राजेश कुमार आज टंडन क्या प्रोग्राम हुआ आज का हमारा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका एवं आशा का 50% मानदेय बढ़ोतरी तथा किशोरी शक्ति योजना शुरू की गई आज के दिन जी। सर आशाओं को और क्या क्या सुविधाएं दी गई? सुविधाओं के बारे में अभी तो बताया नहीं गया, जो इनका मानदेय अभी वर्तमान में है उससे 50% बढ़ोतरी का बोला गया। और क्या सुविधाएं दी गई? सुविधा तो उनकी वही है, पुरानी सुविधाएं हैं और अन्य सुविधाएं कोई नहीं दी गई। जनता का कोई अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में पढ़ने वाले आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारा पोषाहार वितरण हो रहा है, कृपया आप उनको जाकर के देखें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना चल रही है उसके बारे में आप उस केंद्रों पर जाएंगे तब उनको आपको जानकारी हासिल हो सकेगी। ये मेरी जनता से अपील है तथा ग्राम प्रधानों से भी अपील है कि कृपया ग्राम प्रधान महोदय आप पोषाहार को नियमित रूप से वितरित करवाएं। माह में एक बार 5 या 15 या 25 तीनों में से एक डेट को वितरित करवाएं उपस्थित होकर। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपके तरफ? गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे यहाँ तो सबसे पहले उनका किशोरियों से हमारा संबंध है, किशोरी से स्वस्थ किशोरी स्वस्थ माँ। अगर किशोरी स्वस्थ रहेगी उसका एनीमिया किसी प्रकार का नहीं होगा, कोई खून की कमी नहीं होगी तो वो आगे जाकर के अच्छी गर्भवती बनेगी। और जब अच्छी गर्भवती बनेगी और उसके अंदर उस समय खून की कमी नहीं होगी तो वो अच्छी माँ बनेगी। क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं गर्भवती महिलाओं को? गर्भवती महिलाओं को हमारे यहाँ से सबसे पहले जब गर्भ का पता चलता है 3 माह के बाद तो हमारे यहाँ उनको पहले 4 जांच होती है। एएनएम बहन जी के द्वारा 4 जांचें होती हैं, वो एक एक जांच करके 4 जांच करवाई जाती है तथा उनको नियमित पोषाहार तथा गर्भ में पल रहे शिशु को उनको क्या क्या मौसमी फल या मौसमी दालें और ये के बारे में बताया जाता है जिससे कि उनको खून की कमी ना हो। सरकार की तरफ से कोई गिजाएं दी जाती हैं? सरकार की तरफ से नहीं, यदि यदि उन गर्भवती महिला में से कोई अगर होमोग्लोबिन जिसका 7 से कम है तो हम उसको रेफर कर देते हैं PSC में। और PSC से अगर मान लो उनको उससे समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो वो जिला अस्पताल में उसको रेफर कर देते हैं जिससे वहाँ पर उनको समुचित उपचार होता है और उनका जो खून की कमी है वो पूरी रिकवर हो जाती है।